तो रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड प्लेट रे ऑप्टिक्स का ही पार्ट है वैसे ही, ये रे वेव जैसे मर्जी मान लो। एक एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे छोटी क्लास में, अगर रे ऑफ लाइट आई और ये बेंड हो गई टूवर्ड्स नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आए, रिफ्रैक्शन क्या है यहाँ पर R1, रे ऑफ लाइट बेंड हो गई और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन होगी, फिर रिफ्रैक्शन होगी, तो यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रही है, एक बार यहाँ पे हो रही है और एक बार यहाँ पे हो रही है। रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर से डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, उसके बाद रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आए है, रिफ्रैक्शन R1 है, अगर ये R1 है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी R1 है, तो यानी कि ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है R1, नीचे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है, ये R2 है, ऑल्टरनेट एंगल से ये R2 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस वापस से आया है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि जितने एंगल पर रे एंटर करती है उतने ही एंगल पर रे बाहर भी निकलती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, कंपाउंड प्लेट का मतलब दो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, म्यू बी है, म्यू सी है और म्यू ए है। तो स्नेल्स लॉ पहले फर्स्ट सरफेस पे म्यू ए इंटू साइन ऑफ आई, म्यू बी इंटू साइन ऑफ R1, ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन आई बाई साइन R1 इसके इक्वल आ गया, बी ऊपर है नीचे आ गया, ए नीचे है ए ऊपर आ गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर से स्नेल लॉ लगाओ, म्यू बी इंटू साइन R1 म्यू सी इंटू साइन ऑफ R2, तो ये रहा म्यू बी इंटू साइन R1 म्यू सी इंटू साइन R2, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन R1 बाई साइन R2 इसके इक्वल है, म्यू के सी न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ गया, मीन्स के नीचे आ गया, नीचे है तो ऊपर आ गया, इक्वेशन नंबर 2। फिर स्नेल लॉ लगाओ, यहाँ पे म्यू सी इंटू साइन ऑफ R2 इज म्यू ए इंटू साइन ऑफ I, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए नीचे और सी ऊपर आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तुम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, साइन आए साइन आए, साइन R2 R1 R1 सब कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बच गया 1। इस टर्म को ऐसी रहने दो, ए म्यू बी, बी म्यू सी, इस टर्म को इसके नीचे ले आओ, ये 1 है तो क्या बना 1 अपॉन ए म्यू सी। रूल है, अगर आप इसके न्यूमिनेटर में लेके आते हो तो ये ए म्यू सी किस में कन्वर्ट हो गया, सी म्यू ए, उल्टा हो जाता है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, सी म्यू ए इसके इक्वल आ गया। एक शॉर्टकट है, ए म्यू बी इंटू बी म्यू सी इज ए म्यू सी, सीधा ए और सी पकड़ लिया। थ्योरी में तो नहीं आता, अगर कहीं शॉर्टकट लगा हो कंपाउंड प्लेट पे तो कैसे लगाना है, बस ये तरीका है एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ।